आज के इस लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं एन सी देख रहे हैं चैप्टर एलेवन तो बायोलॉजी की चैप्टर एलेवन की पहला चैप्टर हम लोग में क्वेश्चन आंसर हम लोग देख रहे हैं वीडियो को दो तीन बार रिवीजन करने की कोशिश करेंगे तो चैप्टर वन जो है ये चैप्टर वन है और आ, क्लास अलेवेंथ के बायोलॉजी के चैप्टर वन का सबसे पहले तो हम लोग नाम देखेंगे कि नाम क्या है तो चैप्टर नेम अगर हम लोग याद कर ले रहे हैं नंबर याद कर ले रहे हैं तो फिफ्टी परसेंट काम हो जा रहा है और नाम याद कर ले रहे हैं हम लोग तो ये फिफ्टी परसेंट काम ये हो जा रहा है नाम और नंबर अगर याद कर लिए हम तो हंड्रेड परसेंट काम हो गया है और बाकी बच्चा जो चीज़ है वो क्वेश्चन आंसर हम लोग देख ले रहे हैं ये तो पहला क्वेश्चन ये है कि वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज़्म क्लासिफाइड ये जो लिविंग ऑर्गेनिज़्म है करीब पंद्रह से सोलह लाख ये सबको क्लासिफाइड क्यों किया गया है वाई आर लिविंग ऑर्गेनिज़्म क्लासिफाइड तो काफ़ी संक्षेप में हम लोग इसका आंसर हम लोग लिखेंगे तो आंसर में संक्षेप में लिखने की कोशिश करेंगे हम लोग जितना हो सके तो उतना संक्षेप में लिखने की कोशिश करेंगे और संक्षेप में ही हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे तो इसमें लिखेंगे हम लोग कि ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल एंड माइक्रोब्स आर फाउंड ऑन अर्थ हम लोग शुरुआत ये करेंगे ये वैरायटी ऑफ ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल एंड माइक्रोब्स आर फाउंड ऑन अर्थ ऑल दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफर इन साइज सेप कलर हैबिटेट एंड मेनी अदर करैक्टेरिस्टिक्स जो बहुत सारी चीज़ें ये पाई जा रही हैं उसमें क्या क्या अंतर हैं बहुत सारे प्लांट्स पाए जा रहे हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं बहुत सारे माइक्रोब्स हैं कहाँ पे पाए जा रहे हैं अर्थ पे पाए जा रहे हैं और सभी का जो है साइज जो है, है डिफरेंट है सेप डिफ़रेंट है कलर डिफरेंट है हैबिटेट डिफरेंट है तो आगे हम लोग देखेंगे क्या लिखेंगे एज़ देर आर as there are millions of living organism on earth studying each of them is impossible ye keh raha hai ki jo millions of uh, millions of living organism हैं तो उस सभी का study करना जो है impossible है सभी का study करना impossible है इसीलिए therefore scientists have डराइव्ड मैकेज्मू क्लासीफाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया एक मैकेनिज्म निकाला और क्लासीफाई किया सबको स्टडी करने के लिए दिस मेथड ऑफ़ क्लासीफिकेशन आर बेस्ड ऑन रूल एंड प्रिंसिपल दैट अलाउ आइडेंटिफिकेशन नोमन क्लेचर एंड फाइनली क्लासीफिकेशन ये कह रहा है कि जो मेथड दिया गया है क्लासिफिकेशन का उसमें आइडेंटिफिकेशन करते हैं नॉमन करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं तो मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसमें क्या है ये तीन चीज़ें हैं पहला है आइडेंटिफिकेशन दूसरा है नॉमन और तीसरा है क्लासिफिकेशन ये तीन चीज़ों का जिक्र होता है तो ये बता रहा है कि दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन आर बेस्ड ऑन रूल एंड प्रिंसिपल दैट अलाउ आइडेंटिफिकेशन नंबर वन नंबर टू नॉमिनक्लेचर और फाइनली जो है नंबर थ्री क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब आगे क्या लिखेंगे हम लोग आगे इसमें लिखेंगे करें कि फॉर एग्जांपल

नाम देने का साइंटिफिक नेम दिया जाएगा और फिर उसको ग्रुप किया जाएगा क्लासिफिकेशन किया जाएगा इस तरह से ये कह रहा है कि दस वेरियस ग्रुप्स और टैक्स इंक्लूडिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस ये ग्रुप किया जाएगा किसके आधार पे ग्रुप किया जाएगा क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं इसके आधार पे किया जाएगा और क्या क्या डिफरेंसेस हैं इसके आधार पे किया जाएगा आगे बता रहा है कि देयर फॉर द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हेल्प इन रिवेलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म इट आल्सो हेल्प इन मेकिंग स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड ऑर्गेनाइज्ड तो ये महत्वपूर्ण क्या बात इसमें आ रही है ये एक पॉइंट हम लोग जरूर लिखेंगे इट आल्सो हेल्प इन मेकिंग और स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इजी एंड ऑर्गेनाइज इससे क्या हो रहा है क्लासिफिकेशन से स्टडी जो है और स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है वो इजी हो जा रहा है और क्या हो रहा है ऑर्गेनाइज हो रहा है तो ये जो है इसको हम लोग पेज नंबर पंद्रह में देख सकते हैं ब्लॉक एक्सरसाइज से दिया गया है दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द क्लासीफिकेशन सिस्टम दैट चेंज चें चेंजिंग एवरी नाव एंड देन दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कह रहे हैं वॉट आर द क्लासीफिकेशन सिस्टम क्लासीफिकेशन सिस्टम क्या है चेंजिंग एवरी नाव एंड देन कर है कि ये क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बताने के लिए ये बता रहा है तो आंसर में हम लोग लिखेंगे मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलियंस ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन अर्थ मिलियंस लाखों की संख्या में पाए जा रहे हैं क्या पाए जा रहे हैं प्लांट पाए जा रहे हैं एनिमल पाए पाए जा रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं कहाँ पाए जा रहे हैं अर्थ पे पाए जा रहे हैं मैनी ऑफ दीज हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट वाइल मैनी न्यू स्पीसीज आर स्टिल बीइंग डिस्कवर्ड अराउंड द वर्ल्ड कह रहा है कि बहुत सारे स्पीसीज़ जो हैं हम लोग जानते हैं और न्यू स्पीसीज़ जो हैं बहुत सारी डिस्कवरी हो रही है देयरफॉर इसलिए टू क्लासिफाई दीज न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज न्यू सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन हैव टू बी डिवाइज एवरी नाव एंड देन करा है कि जो न्यू सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन देना पड़ रहा है क्यों क्योंकि न्यू सिस्टम ऑफ क्लासीफिकेशन हैज़ टू बी डिवाइज एवरी नाव एंड देन क्योंकि ये बराबर जो है न्यू डिस्कवरीज़ हो रही हैं स्पीशीज की दिस क्रिएट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन न्यू ऑर्गेनिज़्म जो है बार बार डिस्कवर्ड हो रहे हैं इसके कारण में हमें नया क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है बराबर देना पड़ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कर रहा है कि व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मीट ऑफन रहा है कि क्या क्राइटेरिया आप चूज करेंगे तो आंसर में ये बता रहा है कि टू सी ए क्लास ऑफ फोर्टी इस्टूडेंट लेटस्ट स्टार्ट द क्लासीफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट कर रहा है कि क्लासीफाई पीपल करना है पीपल को क्लासीफाई करना है जिससे हम लोग बराबर मिलते हैं तो क्या हम लोग क्राइटेरिया करेंगे कह कर रहे हैं कि मान लीजिए कि फोर्टी एसटूडेंट हैं क्लास में तो उसका क्लासीफिकेशन करना है तो कैसे करेंगे तो बेसिस क्या होगा तो सेक्स के आधार पे करेंगे मेल फीमेल करें कि दिस क्लासिफिकेशन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू मेजर ग्रुप इसमें दो मेजर ग्रुप हो जाएगा मेल फीमेल के आधार पे एक बॉयज़ हो जाएंगे और दूसरे गर्ल्स हो जाएंगे करा ईच ऑफ दिस टू ग्रुप कैन बी फॉदर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ स्टूडेंट फॉलिंग ए इन दिस ग्रुप नाम के आधार पर भी हम लोग क्लासीफिकेशन कर सकते हैं फिर आगे बता रहा है कि सिंस इट इज़ इम्पॉसिबल दैट मोर देन वन स्टूडेंट कैन हैव ए पार्टिकुलर नेम हो सकता है कि कुछ बच्चों का नाम जो है राम श्याम एक दो से ज़्यादा बच्चों का हो दिस नेम कैन बी फादर सब डिवाइडेड बेस्ड ऑन देअर सेब नेम अगर राम किसी का नाम आ गया तो राम प्रसाद हो सकता है राम सिंह हो सकता है तो इसके आधार पे भी जो है बांटा जा सकता है अब आगे बता रहा है कि सिंस देर इज़ ए स्टील सम चांसेस दैट मोर देन वन स्टूडेंट कैन हैव द सेम सर नेम सेम सर नेम आपका हो सकता है ये भी चांस है तो सेम जो है सरनेम हो सकता है तो कर रहा है कि फाइनल लेवल ऑफ़ क्लासिफिकेशन विल बी बेस्ड ऑन द रोल नंबर ऑफ ईच स्टूडेंट तो रोल नंबर के आधार पे जो है एक क्लासिफिकेशन किया जा सकता है अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन ये कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन जो है इसके बारे में क्या समझते हैं एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति के बारे में और एक पॉपुलेशन बहुत बड़ा व्यक्तियों का समूह है तो वो पॉपुलेशन बनाता है तो आंसर में हम लोग लिखेंगे कि नॉलेज ऑफ नॉलेज ऑफ़ करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल और इट्स इंटायर पॉपुलेशन हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड और बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गनिज्म इट हेल्प्स द साइंटिस्ट टू क्लासीफाई ऑर्गनिज्म इन वेरियस कैटागरीज तो ये हम लोग जो है तीन लाइन इसमें लिखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं गिवन बिलो इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो ये मैंगो का रहा है कि साइंटिफिक नेम नीचे दिया गया है आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम तो यहाँ पे जो है लिखा हुआ है मैग्नीफेरा इंडिका मैग्नीफेरा इंडिका ये देखिए दो चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे ये दो ची नाम यहाँ पे लिखा हुआ है एक में मैग्नीफेरा इंडिका लिखा हुआ है यहाँ पे भी मैग्नीफेरा इंडिका लिखा हुआ है यहाँ देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाइनोमियल नोम में एक जीनस का नेम होता है जीनस का और दूसरा जो होता है इस्पीसी का होता है स्पीसीस तो दो नाम होते हैं एक जीनस का नाम होता है और एक स्पीसीस का होता है तो यहाँ पे जो है ये कैपिटल लेटर है इंडिका में यहाँ पे ये यह स्मॉल लेटर है तो जब भी हम लोग जीनस का नाम लिखते हैं जब भी हम लोग जीनस का नाम लिखते हैं तो वो पहला नाम जो है ये कैपिटल से शुरू होता है और दूसरा नाम ये स्मॉल से शुरू होता है तो ये जो है ये सही है और जब भी जीनस स्पीस का नाम लिखते हैं हम लोग अंडरलाइन करते हैं या फिर प्रिंटेड होता है तो इटैलिक में लिखा होता है अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है आ, क्या आंसर हम लोग लिखेंगे तो ज़्यादा जो है अच्छा आंसर कंसीडर किया जाएगा तो आंसर में लिखेंगे इन बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमिनचर जेनेरिक नेम ऑफ ए स्पीसीज ऑलवेज स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर वेदर एज द स्पेसिफिक नेम स्टार्ट विथ ए इस्मर करा है ये जेनरिक नेम जो है क्या चीज़ से स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा और स्पीसीज नेम जो है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा करा है कि देयर फॉर करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगोइज़ मैग्नीफेरा इंडिका देखिए स्मॉल वाला जो है ये बता रहा है कि ये करेक्ट होगा अब हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जा रहे हैं तो ये सिक्स नंबर क्या है देखते हैं कर है डिफाइंड टैक्सॉन टैक्सॉन को डिफिनीशन करने के लिए कर है कर गिव सम एग्जांपल ऑफ टैक्सॉन एट डिफरेंट हराकिल लेबल्स तो ये डिफरेंट हैराइकियल लेवल्स में टैक्सॉन को ये बता रहा है तो यहाँ कह रहा है कि इच यूनिट और कैटेगरी ऑफ़ क्लासिफिकेशन इज़ टर्म्ड एज टैक्सॉन कह रहा है कि जो कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन है कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन है उसी को टैक्सॉन कहते हैं आगे बता रहा है कि इट रिप्रेजेंट ए रैंक ये रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर एग्जाम्पल बेसिक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज पहला जो होता है ये स्पीसीज़ हैं इसके बाद क्या होता है फॉलोड बाई जीनस उसके बाद फैमिली फिर ऑर्डर फिर क्लास फिर फाइलम एंड डिवीज़न इन असेंडिंग ऑर्डर ये असेंडिंग ऑर्डर में है नीचे से आपका जो है बढ़ता हुआ चला जाएगा रहा है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉन एज किंगडम हाईएस्ट क्या है किंगडम है तो ये लिखेंगे शॉर्टकट में काफ़ी सुंदर हमारा आंसर होगा सातवा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कर आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या ये है ए है बी है कि सी है तो ए है कि बी है कि सी है ये देखते हैं तो अभी अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा कि पहले जो है स्पीसीज़ होता है फिर जीनस फिर फैमिली और फिर ऑर्डर क्लास इस तरह से ये होता है तो उसके आधार पे हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आंसर में कर रहा है यहाँ पे कि द करेक्ट हराकिअल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनिक कैटरीज इन असेंडिंग ऑर्डर इज जीनस है फैमली है ऑर्डर है क्लास है फाइलम है जीनस है फैमिली है ऑर्डर है क्लास और फाइलम है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं

तो यहाँ पे सारे जो हैं करेक्ट सीक्वेंस है ए और सी जो है करेक्ट सीक्वेंस है ए और ए और सी करेक्ट सीक्वेंस है स्पीसीज के बाद जो है यहाँ पे एक बीच में छूटा हुआ है लेकिन ये असेंडिंग ऑर्डर में है करेक्ट सीक्वेंस जो है यहाँ पे भी जो है ये करेक्ट सीक्वेंस में है लेकिन बी जो है ये करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कहता है ट्राई टू कलेक्ट ऑल कलेक्ट ऑल द करेक्टली एसेंडिंग मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्टेड मीनिंग एक्सेप्टेड मीनिंग फॉर द वर्ल्ड स्पीसीज डिस्कस विथ योर टीचर द मीनिंग ऑफ स्पीसीज इन द केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल ऑन वन हैंड एंड बैक्टीरिया ऑन द अदर हैंड तो ये स्पीसीज़ के जो है बारे में कर है कुछ बताने के लिए तो इसमें हम लोग लिखेंगे इन बायोलॉजिकल टर्म स्पीसीज इज़ बेसिक टेक्सोनॉमिक रैंक ये बेसिक टेक्सोनिक रैंक ये जरूर लिखेंगे हम लोग इट कैन बी डिफाइंड एस ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग अंडर नेचुरल कंडीशन टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ये चीज़ जो है ऑफ स्प्रिंग तो देगा ही देगा लेकिन यहाँ फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग अगर सिमिलर होगा तो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग देगा केवल ऑफ स्प्रिंग देने से स्पीसीज नहीं होगा हमें लिखना होगा टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग देयर फॉर ए ग्रुप ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स दैट आर रिस्पेक्टिवली आइसोलेटेड फॉर्म ए स्पीसीज स्पीसीज कैन बी आईडेंटिफाई कैन बी डिफाइंड एस ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट सेयर द सेम जीनपुर अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं कर है क्वेश्चन नंबर नाइन में कि डिफाइंड एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्न पाला है फाइलम है क्लास है फैमिली है ऑर्डर है और जीनस है ये सब के बारे में बता रहा है डिफाइन करना है तो डिफाइन करना है तो फाइलम के बारे में हम लोग देखते हैं फाइलम फाइलम इज़ द प्राइमरी डिवीजन ऑफ डिवीज़न ऑफ किंगडम इट इंक्लूड वन और मोर रिलेटेड क्लासेस ऑफ एनिमल्स इन प्लांट इंस्टीड ऑफ फाइलम द टर्म डिविज़न इज़ यूज ये हम लोग लिखेंगे कि प्लांट में जो है हम लोग अब फाइलम के जगह पे डिवीज़न लिखते हैं क्लास के बारे में करें दूसरा है क्लास के बारे में तो क्लास इज़ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स क्लास में क्या होते हैं ऑर्डर्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल क्लास मेमेलिया इंक्ल्यूड मैनी ऑर्डर्स मेमेलिया क्लास में बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं अब फैमिली के बारे में बता रहा है फैमिली तो फैमिली में भी लिखेंगे हम लोग फैमिली इज अ टेक्सटोनोमिक ग्रुप ये टेक्सोनॉमिक ग्रुप है इसमें क्या होता है कॉन्टेनिंग वन और मोर रिलेटेड जेनरा इसमें एक या एक से ज़्यादा जेनरा हो सकता है इन प्लांट फैमिलीज़ आर कैटागराइज ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स प्लांट में फैमिली जो है कैसे कैटोगज़ किया गया है वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स के आधार पे किया गया है अब बात आती है ऑर्डर की ऑर्डर तो ऑर्डर में हम लोग देखते हैं इसमें भी लिखेंगे ऑर्डर इज़ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप कॉन्टेनिंग वन और मोर फैमिलीज़ इसमें एक या एक से ज़्यादा फैमिलीज़ होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि ऑर्डर कार्नी वोरा इंक्लूड मेनी फैमिलीज़ कार्निवोर्स में जो है बहुत सारी फैमिलीज हैं और लास्ट में ये आ रहा है हमारा जीनस आ रहा है जीनस करें इसमें भी लिखेंगे जीनस इज अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इसमें क्या होता है ग्रुप इंक्लूडिंग क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रुप में क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होता है फॉर एग्जांपल एग्जांपल के लिए जीनस सोलनम इंक्लूड मेनी स्पीसीज सच ऐसा नाइग्रम, मेलॉन जिना टिबेरोसम इटीसी अब हम लोग दसवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है दसवा क्वेश्चन हाउ इज अ की हाउ इज अ की टर्म यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म तो ये की के बारे में हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में कैसे उपयोगी है इसमें लिखेंगे हम लोग आंसर में की इज अनादर टैक्सोनॉमिकल एड दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दीज की keys are based on similarities and dissimilarities in character generally in a pair called couplets each statement in a taxonomic key is referred as a lead for categorizing such a taxonomic rank such as family genus species एक्सेट्रा डिफरेंट कीज़ आर यूज इट ऑल्सो यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अन नॉन ऑर्गेनिज्म कीज़ आर ऑफ टू टाइप्स कीज़ जो हैं दो तरह के होते हैं इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड कीज कह रहा है कि इंडेंटेड कीज़ प्रोवाइड्स ए सिक्वेंस ऑफ चॉइस बिटवीन टू एंड मोर स्टेटमेंट वाइल इन ब्रैकेटेड की ए पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर यूज कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दो अपोजिट कैरेक्टर्स होते हैं जैसे टॉल एंड डॉर्फ इसको एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हम लोग बोलेंगे अब आगे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इंडेंटेड कीज इंडेंटेड की टू एंटीफाइव डिफरेंट स्पीसीज ऑफ रोडोडेंड्रॉन यहाँ पे एक नंबर में हम लोग लिखेंगे लिप्स ईवर ग्रीन और यहाँ पे दूसरा हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिप्स डेंसली हेयरी बिलो ऑरेंज और वाइट हेयर फ्लावर एपियर टू हैब सेपरेट पेटल रोडोडेंड्रॉन ग्लोइन लैंडम नंबर यहाँ पर फिर आगे लिखते हैं हम लोग हेयर एबसेंट ऑन लीफ फ्लावर हैब फाइव पेटल फ्यूज एनेसैलो ट्यू रोडोडेंड्रॉन मैक्सीमस यहाँ पे लीफ डिसीडियस पिंक फ्लावर विथ टू फ्री पेटल्स एंड थ्री फ्यूज पेटल्स रोडोडेंड्रॉन कैनेडेंस कैनेडेंस नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं वाइट टू पिंक फ्लावर विच ऑल पेटल फ्यूज टुगेदर अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं ब्रैकेटेड की ब्रैकेटेड की टू आइडेंटीफाई डिफरेंट स्पीसीज ऑफ रोडोडेंड्रॉन लिप्स ग्रीन दो लिप्स डिसीडियस थ्री लिप्स डेंसली हेयर बिलो ऑरेंज और वाइट हेयर फ्लावर एपियर टू हैव सेपरेट पेटल ये जो है रोडोडेंड्रॉन ग्लो एनलैंडम में ये आएगा हेयर एबसेंट ऑन लीफ फ्लावर हैव फाइव पेटल्स फ्यूज इन अलो ट्यूब इसको हम लोग रखेंगे रोडोडेंड्रॉन मैक्सीमस में रखेंगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पिंक फ्लावर विथ टू फ्री पेटल्स एंड थ्री फ्यूज पेटल्स ये जो है इसको हम लोग रखेंगे रोडो डेंड्रॉन रेडोडेंड्रॉन कैनडेंस में हम लोग रखेंगे फिर जो है वाइट टू पिंक फ्लावर विथ ऑल पेटल फ्यूज टुगेदर फोर तो ये हम लोग इसमें शॉर्ट में इस तरह से लिखेंगे अब ग्यारह नंबर क्वेश्चन है ये क्या कर रहा है एलिस्ट्रेट टेक्सोनॉमिक टैक्सोनॉमिक टेक्सोनोमिकरारकी लिखने के लिए बोल रहा है विथ सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल तो टैक्सोनॉमिक टेक्सोनोमिकरार्की के बारे में लिखना है आंसर में लिखेंगे अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टैक्सा इन हेरार्किल ऑर्डर इज़ कॉल्ड टैक्सोनिकरार्की अरेंजमेंट करते हैं हम लोग डिफरेंट वेरियस टैक्सा को इन हेरार्किल ऑर्डर उसी को हम लोग टैक्सोनिकरार्की बोलते हैं कराए इन दिस हेरारकी स्पीसीज इज़ प्रेजेंट एज़ लोवेस्ट लेवल स्पीसीज जो है लोवेस्ट होता है वेदर किंगडम इज़ प्रेजेंट एज द हाइस्ट लेवल तो ये देखते हैं हम लोग लोएस्ट एंड हाइस्ट में क्या आ रहा है यहाँ पे ये किंगडम है फिर फैमिली और डिविज़न आएगा क्लास ऑर्डर फैमिली और जो है फिर जीनस एंड स्पीसीज फैमिली के बाद फिर जीनस है और स्पीसीज है आगे यहाँ लिखना है हम लोग को ए में टैक्सोनॉमिक टैक्सोनॉमिक की क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एस एग्जाम्पल लेटेस्ट क्लासीफाई सोलेनम गेरा ब्रिंजल सोलेनम मेलॉन जीरा किंगडम प्लांट देंगे प्लांटी देंगे डिवीजन एन देंगे और क्लास हम लोग लिखेंगे क्या क्लास में डाइकॉटली डॉन डॉन हम लोग क्लास में लिखेंगे ऑर्डर में सोने सोलैनेल्स फैमिली में सोलेनेसी जीनस में सोलेनम स्पीसीज़ में गेरा ये देखिए इस्मॉल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेलोंगेरा स्पीसीस का नाम स्टार्ट होता है इस्मोल में अब क्लासीफिकेशन ऑफ एनिमल के बारे में हम लोग देख रहे हैं लेटेस्ट क्लासीफाई को, कोल कोलम्बा लिविया कोलम्बा लिविया ब्लू रॉक ड्रोप तो ये किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा क्लास एप्स ऑर्डर कोलम बी फॉर्म्स बी फॉर्म्स फैमिली बी डी जीनस कोलमबा स्पीसीज लीविया लीविया तो ये हम लोग इसमें देखें और ये है ये क्वेश्चन इसमें बार बार इस क्वेश्चन को लिखेंगे और पढ़ेंगे बार बार इस क्वेश्चन को लिखेंगे पढ़ेंगे तो कमांड आएगा दो तीन बार वीडियो को पढ़ेंगे और लिखेंगे तो इसमें कमांड आने की संभावना है